निसारा में मांग रहे हैं। कहाँ से आया हो? बड़गाम से। बताओ आज क्या है? आज आकाश मार रहे लोग साहब को यहाँ मंडेट काकत लगा। हम दिलो जान नेशनल के साथ है। हाँ, यहाँ बीजेपी ने गुंडागर्दी लगाया, बहुत जुल्म किया हमारे साथ, इसलिए इस साल हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह रोले मेहदी को कामयाब करेंगे जरूर। श्रीनगर से मोहम्मद यूसुफ। हमारा मकसद है ईमानदार लीडर जो होगा वो हमारे मुस्तकबिल का सोचेगा और आगे बढ़ाएगा और खास करके दफा 373 हमें वापस लाएगा, वो हमारी पूरी उम्मीद है। क्योंकि एक ईमानदार बड़गाम का एक ईमानदार जो आगा रुल्ला है उसके लिए ये हम सब तमा तैयार है और हम चाहते हैं आगा रुल्ला को आगे बढ़ाएंगे और हमारी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे ताकि हमारा दफा 373 वापस आए, हमारे उम्मीदें हो जाएगी। कुछ उम्मीदें ये है कि लोग उस बात को समझेंगे जिस बात के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो ये है कि हम अपने एहसासात का और अपनी हकूक के लिए अपनी तर्जुमानी करें और इस पार्लियामेंट इलेक्शन के ज़रिए और पार्लियामेंट के ज़रिए हिंदुस्तान की आवाम को और हिंदुस्तान की आईवानों को ये बात बताए कि 2019 में जो आपने फ़ैसले लिए वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है और ये उन फैसलों के ख़िलाफ़ लोगों की राय होगी। तो कंपटीशन कैसे देखते हैं आप? कंपटीशन कोई नहीं है, हम अपने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए उन एहसासात की मोबिलाइजेशन के लिए निकले हैं। हमारा हदफ ये है कि इन सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी की जाए, पॉलिटिकल स्पेस बनाया जाए जिसमें लोग अपनी बात करना शुरू करें। वो खुद कह रहे हैं कि उनके लिए मैदान यहाँ पे नहीं है, मगर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी प्रॉक्सीज भी कबूल कर रहे हैं कि उनकी खिदमत में वो हाजिर है और उन बीजेपी के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या लगता है वो जीत पाएंगे? वो जम्मू कश्मीर के लोग जवाब देंगे इस बात।